हरिद्वार में श्री देवोत्थान सेवा समिति द्वारा लावारिस अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया गया है। समिति द्वारा लावारिस लोगों की अस्थियों को कनखल स्थित सती घाट पर पूर्ण विधि विधान के साथ में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में गंगा में विसर्जित किया गया है। संस्था ने लगातार 22वीं अस्थि कलश यात्रा विसर्जन यात्रा में अभी तक 1,61,161 लोगों की अस्थियाँ गंगा में प्रवाहित कर पुण्य का लाभ कमाया है। श्री देवोत्थान सेवा समिति पिछले 22 वर्षों से इस कार्य को कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अनिल नैनीति के प्रयास से हमने इसको शुरू किया था और 22 वर्षों में आज हम लोगों ने 1,61,161 लोगों की अस्थियों को यहाँ प्रवाह कर दिया है। इस बार हमने 5,945 लोगों की अस्थियाँ लेकर के आए और पूरे भारतवर्ष से इस बार हमने इकट्ठी की। रुड़की से भी हमारे साथ 80 लोगों की अस्थियाँ जुड़ी और पहली बार वो सोनाली नदी शमशान घाट के लोग हमारे साथ आए हैं, उन्होंने भी विसर्जन किया है। हमारा प्रयास ये है कि जो अभी आपने एक शब्द कहा कि लावारिस, जिस दिन हम उनको संरक्षित कर लेते हैं, हमारे संग्रहित, हम इनके वारिस बन जाते हैं, तो हमने उनके आगे से लावारिस शब्द अब हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया है। जब भी हम इन्हें गोद लेंगे तो हम ये हमारे संरक्षित हो जाएंगे और हम संग्रहित अस्थि कलशों को लेकर के आपके शिव में यहाँ पर फिर आएंगे।